दोस्तों, मैं सफी सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल आफिया केमिस्ट्री पॉइंट में। ठीक है, तो जितने भी क्लास 12 के विद्यार्थी हैं जो बिहार बोर्ड से हैं, उन सारे विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बाबू, ये क्वेश्चन जो देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन जो है 2023, ठीक है, 12th बोर्ड परीक्षा के लिए, 2023 12th बोर्ड परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जो है 2017-2019 बिहार बोर्ड 12th आईएससी में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और ऐसे भी क्वेश्चन जो है 2023 के लिए बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या कर लोगे, पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आपका है H2O एक द्रव है तथा H2S गैस है, आखिर क्यों? ठीक है, H2O एक द्रव है, H2S गैस है, क्यों? यही आपका क्वेश्चन है, आपको बतलाना है कि H2O जो है एक द्रव है और H2S जो है एक गैस है, आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में जो है आज आप लोग को क्या करते हैं, बतलाते हैं। इनका आंसर आसान है, आप एग्जाम में लिखोगे इनका आंसर आसान है। लिखोगे बाबू H2O में आप सबको ही जानते हो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, बंध पाया जाता है। ठीक है, H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, तो इतना सा लिखना है, फिर आगे लिखोगे जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। फिर आगे लिखोगे H2O के बहुत से अणु आपस में जुड़ जाते हैं तथा, फिर लिखना है आपको, तथा इसी कारण द्रव के रूप में रहता है। जबकि, फिर आगे थोड़ा सा लिखोगे, जबकि H2S के बीच बल नगण्य होता है तथा यह कमरे के ताप पर गैसीय रूप में रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर लिख दोगे। लिखना क्या है कि H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ऐसे भी आप लोग को मालूम है, जबकि H2S में जो है हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसी कारण जो है H2O के बहुत से अणु जो है आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं तथा इसी कारण द्रव के रूप में रहता है, कौन? H2O, जबकि H2S के बीच जो है बल नगण्य होता है तथा यह कमरे के ताप पर गैसीय रूप में रहता है या गैसीय रूप में पाया जाता है। तो यही रीजन है, यही कारण है, कारण आपका यह है कि H2O में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इस कारण से H2O के बहुत से अणु जो होते हैं, हाइड्रोजन जो बंध पाए जाते हैं, इसी कारण जो है H2O के बहुत से अणु आपस में जुड़ जाते हैं तथा इसी कारण द्रव के रूप में वो रहता है, कौन? H2O, जबकि H2S के बीच बल जो है क्या होता है, नगण्य होता है तथा यह कमरे के ताप पर गैसीय रूप में रहता है। तो बस क्या करोगे, एग्जाम में इतना सा ही इनके बारे में लिखना है आंसर, और आंसर ये जो है बिल्कुल सही है। बाबू लोग से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप क्या कर लोगे, पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको जो है लिख के आप याद कीजिए। ठीक है, लिख के याद करोगे, आप दो तीन बार लिखोगे लिख के याद करोगे, लिख के समझोगे, लिख के प्रैक्टिस करोगे, तो यह क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको करना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि यह 2017-2019 में आया हुआ है, तो 2023 के लिए तो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो जितने भी 12th के विद्यार्थी हैं जो बिहार बोर्ड से हैं, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लेना। आप क्वेश्चन आपका है H2O एक द्रव है, यानी जल एक द्रव है और H2S आपका गैस है, आखिर क्यों? तो आप सबों को मालूम होना चाहिए कि H2O में हाइड्रोजन बंध होता है जबकि H2S में हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। ठीक है,
इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। हाइड्रोजन बंद होने के कारण से H2O के बहुत से अणु क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं तथा इसी कारण द्रव के रूप में H2O रहता है, जबकि H2S के बीच बल जो होता है नगण्य होता है तथा ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं, गैसीय रूप में रहता है। तो इस प्रकार से इनके आंसर को लिख दोगे। आज के क्लास यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जो बाबू चैनल पर नए हो उन बाबू से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।